हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए 13.2 से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए, इसका सोल्यूशन करने के लिए इस तरह से हम सारणी बनाएंगे। इसमें लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या और इसमें दिनों की संख्या, क्योंकि क्वेश्चन में हमें व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या ही दी गई है। अब देखिए, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि जो तार लगाने का कार्य है वो 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं, यानी कि जो व्यक्तियों की संख्या है ये कितनी है, 3 है। तो 3 व्यक्ति कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं, 4 दिन में, यानी दिनों की संख्या 4 हो जाएगी। अब हमसे कहा गया है कि अब 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति हो गए, तो अब जो कार्य है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ध्यान देना, पहले 3 व्यक्ति थे, अब 3 से कितने हो गए, 4 व्यक्ति हो गए। तो हमें बताना है कि 4 व्यक्ति कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, यानी हमें दिनों की संख्या बतानी है क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिनों की संख्या ये हमें बताना है तो इसको एक्स मानेंगे। अब अपने सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यही लिखेंगे जो हमने माना है। तो हमने क्या माना है, दिनों की संख्या x, तो इसी को लिखेंगे, माना दिनों की संख्या, तो ये हमने क्या माना है, x। अब देखिए हम इसमें क्या देखेंगे, ये हमारा किस अनुपात में चल रहा है, क्या ये सीधे समानुपात में है या प्रतिलोम में। तो देखिए, पहले 3 व्यक्ति थे, 4 दिन में काम को पूरा करते थे, अब 3 से 4 व्यक्ति हो गए तो ये काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जाहिर सी बात है, पहले 4 दिन में करते थे, अब 4 दिन से जल्दी करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति हैं वो ज्यादा हो गए। ठीक है, पहले 3 थे, अब 3 से बढ़कर 4 हो गए, तो 4 हो गए तो काम को तो और जल्दी करेंगे। ठीक है, यानी 4 दिन से जल्दी ही करेंगे। तो देखिए इसमें हमारा क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति हैं वो बढ़ रहे हैं, तो जो दिनों की संख्या है वो घट रही है, तो इसीलिए ये हमारा प्रतिलोम समानुपात में है। तो इसी को सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यह किस अनुपात में है, प्रतिलोम समानुपात में। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए, प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है हमारा, कि इन दोनों का गुणनफल पूरे में बराबर होता है, यानी जो 3 और 4 का गुणनफल है ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के गुणनफल के, यानी 4 और x के। अब यहां से x का मान निकालेंगे तो ये तो एज इट इज लिखेंगे, ये 4 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इधर अब x बचा। अब देखिए, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचा, सिर्फ 3 बचा बराबर x, यानी x का मान 3 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 4 व्यक्ति हैं वो 3 दिन में कार्य को पूरा करेंगे। तो इसीलिए अब हम क्या लिखेंगे, हमसे पूछा है कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख के दिखा सकते हैं कि कार्य 3 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।